Good morning, everyone. Today, I am going to continue with the topic factors affecting demand or determinants of demand. Yesterday, we have discussed two factors, that is, own price of a commodity and change in the price of related goods. In related goods, I have discussed with you the substitute goods and complementary goods. हमारा question क्या चल रहा है कि ऐसे कौन कौन से factors हैं जिनसे demand पर effect पड़ता है. सबसे पहला point हमने पढ़ा था own price of a commodity and the second point we discussed that was change in price of related goods. Third point is income of a consumer. कंज्यूमर की इनकम से भी किस पर इफेक्ट पड़ता है, डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है. तो इसको हम दो गुड्स के रिगार्ड में पढ़ेंगे इस पॉइंट को, नॉर्मल गुड्स एंड द सेकंड वन इज योर इनफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है उसके पास एक नॉर्मल एक छोटी कार है, दैट इज मारुति 800. अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो ऑब्वियस वो एक अच्छे मॉडल के लिए जाएगा, वो एक अच्छी कार के लिए प्रेफर करेगा. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है. तो इकोनॉमिक्स में हम इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई से. इनकम बढ़ी तो डिमांड नॉर्मल गुड्स की बढ़ गई, इनकम कम हुई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो गई. तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज नॉर्मल गुड्स से भी, मतलब हमारी इनकम से भी किस पर इफेक्ट पड़ता है, डिमांड पर. तो नॉर्मल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द इनकम. सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है, इनफीरियर गुड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनफीरियर गुड्स, जो थोड़े लो क्वालिटी के होते हैं, थोड़े चीप. इज इट क्लियर? तो इनफीरियर गुड्स रेफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम. अगर इनकम बढ़ेगी तो हम तो इनफीरियर गुड्स नहीं लेंगे, हम तो चीप क्वालिटी के गुड्स नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेगा. अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अच्छी क्वालिटी के लिए प्रेफर करेंगे. तो क्या है हमारे पास, इंफीरियर गुड्स रेफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द इनकम. इंफीरियर गुड का एग्जांपल है टोन्ड मिल्क और यू कैन से डालडा घी. तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज योर इंफीरियर गुड्स. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है, इनकम कम होती है तो हमें मजबूरी में इंफीरियर गुड्स लेने पड़ते हैं. तो यहां पर हमारे पास क्या पड़ रहा है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन है तो पॉजिटिव इफेक्ट, और यू कैन से पॉजिटिव रिलेशन एंड हियर इनवर्स, और यू कैन से नेगेटिव इफेक्ट कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है. डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द इनकम. इफ द गिवन कमोडिटीज आर नॉर्मल गुड्स देन एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन इट्स डिमांड एंड डिक्रीज इन इनकम रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड. एंड इफ द गिवन कमोडिटीज एन इंफीरियर गुड लो क्वालिटी चीप देन एन इंक्रीज इन इनकम रिड्यूसेस द डिमांड. और अगर इनकम कम हो रही है तो हमें मजबूरी में इंफीरियर गुड्स लेने पड़ेंगे. एग्जाम्पल क्या लिखा है, नॉर्मल गुड्स का फुल क्रीम मिल्क एंड इंफीरियर गुड्स का टोन्ड मिल्क. नाउ द थर्ड, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर फोर्थ पॉइंट, इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी, कंज्यूमर के टेस्ट से भी किस पर इफेक्ट पड़ता है, डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है. कोई चीज अगर फैशन में है, कोई चीज अगर कस्टमर की एक हैबिट है और वो उसे प्रेफर कर रहा है, कोई चीज अगर इस टाइम
प्रॉपर फैशन में चल रही है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग अगर कोई चीज फैशन में है तो हम उसे प्रेफर करेंगे, या कोई चीज अगर कस्टमर की कोई हैबिट है तो कहते हैं कि इफ अ कमोडिटी इज इन फैशन और प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर, इफ इट इज प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड ऑन द अदर हैंड इफ द कंज्यूमर हैव नो टेस्ट, कि अगर कंज्यूमर उस चीज को प्रेफर नहीं कर रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से भी किस पर इफेक्ट पड़ता है, डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से भी किस पर इफेक्ट पड़ता है, डिमांड पर। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन एंड सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड का रेट और बढ़ेगा तो मेरी आज की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कि अभी लेके रख लूं क्योंकि आने वाले टाइम में गोल्ड बहुत महंगा होने वाला है। कहते हैं इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द फ्यूचर देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी एट प्रेजेंट। तो कहते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। कहते हैं इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड, आज रात से पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो उसकी प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाएगी। आने वाले टाइम में अगर मुझे एक्सपेक्टेड है कि आईफोन का रेट डाउन जाएगा तो मैं अपना उसको जो मुझे लेना है तो मैं उसको पोस्टपोन कर सकती हूँ कि थोड़े टाइम रुक के परचेज कर लूंगी। तो एक्सपेक्टेशन अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बढ़ेगा तो प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर एक्सपेक्टेड है कि प्राइस फ्यूचर में कम होगा तो हमारी प्रेजेंट डिमांड भी कम हो जाएगी। सो हमारे पास फाइव फैक्टर्स, हमने कौन कौन से पढ़े फाइव फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था दैट वाज ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सेकंड चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, फोर्थ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड फिफ्थ वन वाज दैट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, For a commodity and the factors affecting demand. Factors affecting demand. That is, demand of a commodity is equal to function of price of commodity X, price of related goods, income of a consumer, taste and preferences and expectation of change in the price. That is, हमने पांच factors पढ़े हैं ना, ये क्या है, own price of a commodity, price of related good, income, taste and expectation of change in the price in future. तो कहते हैं कि demand और इन सब factors में क्या relation है, उसे हम क्या बोलते हैं, demand function. Demand function shows the relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factors influencing it. मतलब कि ये तो हो गया demand of commodity X, और ये क्या है, F क्या है, functional relationship, it means कि क्या relation है demand और इन सब फैक्टर्स में जो हम पढ़ चुके हैं। पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, पी आर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दैट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, वाई क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड एफ क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
दैट इज योर डिमांड शेड्यूल क्या होता है. डिमांड शेड्यूल. नाउ व्हाट इज डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल होता क्या है, दैट इज टाइम टेबल नो. तो कहते हैं टैब्यूलर प्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बींग डिमांडेड एट वेरियस लेवल्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो वॉट इज रिटन टैब्यूलर किसमें प्रेजेंट करेंगे, दैट इज योर टेबल की फॉर्म में टैब्यूलर प्रेजेंटेशन. जैसे कि प्राइस है, जब प्राइस 5 रुपीज है तो डिमांड कितनी है मार्केट में, 1 यूनिट. डिमांड यूनिट्स में होती है और प्राइस रुपीज में. जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस और कम हो गया डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम हो गया डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम हो गया डिमांड और बढ़ गई. तो जब हमने डिमांड और प्राइस को किसमें प्रेजेंट किया है, टैब्यूलर फॉर्म में. ये हमने टेबल ही तो बनाया है, तो जब हम टैब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल. टैब्यूलर प्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बींग डिमांडेड एट वेरियस लेवल्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. कि जब जिस टाइम पर प्राइस ये था तो डिमांड ये थी, जब प्राइस ये हो गया डिमांड ये हो गई, जब प्राइस और कम हो गया डिमांड बढ़ गई. क्योंकि जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है. जैसे जैसे प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है. तो ये हम क्या लेके चल रहे हैं, कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है. तो क्या है हमारे पास, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो ये क्या है, टैब्यूलर मतलब एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना, दैट इज क्या शो करना, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसके बाद क्या आता है हमारे पास, डिमांड कर्व. डिमांड कर्व का क्या मतलब है, कर्व रिलेटेड टू डायग्राम ओनली ना. तो कहते हैं डिमांड कर्व है, दैट इज योर डायग्रामेटिक और यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल किसमें प्रेजेंट करना, डायग्राम की फॉर्म में. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सी. अब हम इसी को डिमांड कर्व को क्या बनाएंगे, डायग्राम की फॉर्म में. दिस इज योर वाई एक्सेस, दिस इज योर एक्स एक्सेस ओरिजिन. प्लीज लेबल द डायग्राम साइड बाय साइड ओनली. ऑन दिस साइड यू विल बी टेकिंग द प्राइस एंड दिस साइड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and the demand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. When price was rupees 5, demand was 1 unit. Price rupees 4, demand 2 unit. Price rupees 3, demand 3 unit. Price rupees 2, demand 4 unit. Price rupees 1, demand 5 units. तो ये क्या जा रहा है हमारे पास, that is your demand curve. देखो जब price ये है तो demand ये है, जब price कम हो गया तो demand बढ़ गई, जब price और कम हो गया तो demand और बढ़ गई, price और कम हुआ तो डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम तो डिमांड और ज्यादा बढ़ गई. तो ये हमें क्या शो कर रहा है,
दैट इज डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक चीज और क्लियर कर रही हूं, चाहे आप कर्व इस फॉर्म में लाइन ड्रॉ करो, ये अपवर्ड नहीं है। अपवर्ड हम किसे बोलते हैं, जब ऐसे जाता है, दैट इज योर, जब रिलेशन क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड क्या होती है, कम होती है। इज इट क्लियर? इसी को ही आप क्या बोलोगे, इंडिविजुअल। बच्चे हमारे पास दो तरह के डिमांड शेड्यूल होते हैं, एक तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, अगर खाली डिमांड शेड्यूल पूछा है तो वही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, और ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है और ये हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। तो हमारे पास डिमांड कर्व क्या है, दैट इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। काइंडली गो थ्रू टूडेज टॉपिक, टुमारो आई विल डिस्कस विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व, एंड वील कंटिन्यू विद द चैप्टर। Thank you everyone. Take care. Have a very nice day.